रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। अच्छा सही है। अच्छा और कोई बात बताए, और क्या सीखा किसी ने? आपस में आप लोग डिस्कस भी कर सकते हैं, मतलब किस किस ने किया भी। तो मुझे सिर्फ दो लोगों ने बताया, कल तो बहुत सारे लोग थे। आगे का बताओ, किसने और क्या देखा है इसके अंदर, क्या नहीं देखा है, क्या उसको कुछ नया मिला है? आवाज नहीं आ रही मुझे, एमन को आवाज नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है एमन को आवाज? नहीं सर, अभी आ रही है। हाँ अच्छा चलो ठीक है, सही है। अच्छा गुल मकई कह रही है कि क्वेश्चंस फ्रॉम फोर सेक्शंस वर रिपीटेड, कॉलोनाइजेशन से सिविल वॉर से सिविल राइट्स मूवमेंट्स और पाक यूएस रिलेशन से। मैंने आपको कहा ना, पाक यूएस रिलेशन जो है ये अगर आप कर लेती है तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आप लोग सिर्फ यूएसए हिस्ट्री के पेपर में तो एक आज सवाल इससे आता है, लेकिन इतना जरूरी है कि ये आपको आपके एसए में भी हेल्प कर सकता है। ये आपको इसका सवाल करंट अफेयर से भी आ सकते हैं, पाक अफेयर्स में भी आ सकते हैं, मतलब हर जगह में है ना, क्या कहते हैं इसके कुछ ना कुछ लिंक, मतलब ये इतना फायदे मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा है पाक यूएसए रिलेशंस। और इसके ऊपर लोगों ने पूरी, इसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी किताबें भी हैं। हमें एक हमारे सर ने रिकमेंड की थी डिसएन्चेंटेड एलाइज, कुछ इस किस्म की। सर वो मैं पढ़ तो नहीं सका, लेकिन मैंने अपनी रिसर्च जो है वो पूरी की थी पाक यूएस रिलेशंस के ऊपर, करंट अफेयर्स में मैंने कवर किया था। थे तो नोट्स तो शॉर्ट से थे, लेकिन मैंने रीडिंग इतनी कर ली थी उसके ऊपर के फिर जो है मतलब मैं काफी ज्यादा क्लियर हो गया था। तो पाक यूएस रिलेशंस किसी ने पढ़ा हुआ है अभी तक, मतलब कुछ पता है और उनको उसके बारे में के नहीं, मतलब आप लोगों ने नहीं कवर किया है करंट अफेयर्स में? नहीं सर, अभी तक नहीं। अच्छा चलो ठीक है, ये हम कर लेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर उस परस्पेक्टिव से सवाल आता है तो वो भी फिर हम लोग कर सके ना। तो अच्छा ये हो गया। अच्छा और कोई बताए क्या, मतलब कुछ नया मिला हो या पुराने सब कुछ था, क्या क्या हिसाब किताब था? अगर नहीं भी थे जी। मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो एक क्वेश्चन आया है ना 2018 के पेपर में, आई थिंक क्या क्वेश्चन है? फैक्टर्स जी व्हिच लीड टू द फॉर्मेशन। सर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर एक क्वेश्चन है, फैक्टर व्हिच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंग्लैंड कॉन्फेडरेशन 1643। सर ये वही है जो कल आपने पढ़ाया था? ये हम लोग आज पढ़ेंगे, जी सर। ये हम ओके लोग सर। आज पढ़ेंगे कॉन्फेडरेशन का जो है 1643। जी सर, 1643। 1643 1643 में कौन सी कंप्लीकेशन है? सब्र करें मैं जरा याद कर लूंगा। हम लोग आज क्या कर, आता है, यूएसए एज ए ब्रिटिश कॉलोनी सर। कॉन्फे 1643 2018, सब्र करें सवाल जरा मैं देखता हूँ। 2018 के पेपर में तो ये क्वेश्चन है ही नहीं। क्यों, कौन 2018 के पेपर में नहीं है ये क्वेश्चन? अच्छा 2019 के पेपर में है। सबक करें। ये शायद मुझे लगता है हमने आज पढ़ना है, क्योंकि कॉन्फेडरेशन का जो किस्सा है ना ये आज की कहानी है, ये जो आज हमने पढ़ना है ना। सर द क्वेश्चन इज व्हाट वर द फैक्टर्स व्हिच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंग्लैंड कॉन्फेडरेशन ऑफ मैसाचुसेट्स बे प्लाइमथ कनेटिकट एंड न्यू हेवन कॉलोनीज इन 1643। सर ये वो कल वाला ही है ये, शायद, हाँ ये कॉलोनाइजेशन से था, ठीक है, कॉलोनाइजेशन से है ये जी। कॉलोनाइजेशन से है 1643। लेकिन ये अब ये देखो ये वो डिटेल वाली बात है, ठीक है ना, ये हाँ ये मुझे याद है, ये क्वेश्चन जो है ना दो तीन बार रिपीट हो चुका है, और ये 19 में आइए शायद 19 में आए हुए, सब्र करें। हाँ व्हाट वर द फैक्टर्स व्हिच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंग्लैंड कॉन्फेडरेशन ऑफ मैसाचुसेट्स बे प्लाइमथ कनेक्टिकट एंड न्यू हेवन कॉलोनीज इन 1643। ये है तो हाँ ये उसी क्या कहते हैं उसका है, लेकिन ये डिटेल वाली बात, और ये मैंने आप लोगों के साथ मैंने सोचा था कि कॉलोनाइजेशन में फिर हम लोग आगे जाके ये वाला सवाल जो है ना ये लोग हम करेंगे भी। आप लोगों ने कल रीडिंग वगैरह की है कि नहीं की है? जी सर की है। अच्छा की है, कहाँ तक की है? सर वही चैप्टर जो आपने पढ़ाया था वही पढ़ रहा है चलो सर। ठीक है, तो उसमें आपको इस चीज का आंसर मिला है कि नहीं मिला है? नहीं सर, आई वाज कंफ्यूज्ड। ठीक है, क्योंकि ये आगे मुझे ये सवाल है नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है। एक ये सवाल है
और एक आप लोगों ने दूसरा सवाल देखा होगा, व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन जेफरसोनियन डेमोक्रेसी एंड जैक्सोनियन डेमोक्रेसी, कोई इस किस्म का सवाल है, वो भी दो तीन बार जो है ना रिपीट हो चुका है। और ये वाला जो सवाल थे मैंने सोचा था मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन क्योंकि ये मुझे खुद भी जब मैं तैयारी कर रहा था तो उस वक्त जो था मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी कॉन्फेडरेशन की लोग बात करें, मतलब इसकी मुझे कोई खास माजुमदार मुझे कोई डिटेल नहीं मिली थी। तो जब आप लोग कॉलोनाइजेशन जब फेयर करें या कर जिसने भी नहीं किए तो वो लोग ये चीज देख रहे कौन से कॉन्फेडरेशन की बात करें, क्योंकि मैं जिस कॉन्फेडरेशन को जाता हूँ ना तो वो कॉन्फेडरेशन जो है वो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इन लोगों ने जो है ना कहते अल्बानी कांग्रेस बनाई है, कॉन्फेडरेशन में एक आए हैं, ये तीन चार जो है न्यू इंग्लैंड कॉन्फेडरेशन ऑफ मैसाचुसेट्स बे प्लायमाउथ एंड कनेक्टिकट एंड न्यू हेवन कॉलोनीज। इसके खैर चलो अगर ये ना भी हुआ तो अगर तुम लोगों का कोई एम्बिग्यूटी है इसमें तो इसके ऊपर रिसर्च करके इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये किसने बात की थी ये वाली, ये सवाल किसने पूछा था? अच्छा, ठीक है, सही है। तो ये वहाँ हम ये इसको देख लेंगे, ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये पता नहीं है क्या ये, मैंने भी जब मैं खुद भी इसके पीछे काफी वो हुआ था कि ये किस चीज की बात है, फिर उस वक्त मैंने इसको छोड़ दिया था, ठीक है। लेकिन देखो मैं मेरे असल में कहने का मतलब था इस किस्म का सवाल भी कॉलोनाइजेशन में आ सकता है, ठीक है ना। तो अगर आपको उधर डिटेल का पता नहीं होगा तो फिर आप लोग इस किस्म का सवाल नहीं कर सकते हैं। तो ये हम फिर देख लेते हैं, ठीक है। अभी गलत बताने से अच्छा है कि एक बार थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च कर लें, फिर उसके बाद जो है ना इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जी, अच्छा आवाज आ रही है मेरी सबको? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा चलो ये बस ये पढ़ना शुरू करते हैं, मुझे लगता है जिसने आना होगा आगे होगा। अच्छा ये जो है ना ये एंजेलो फ्रेंच वॉर्स जो है ये तकरीबन मतलब ये भी बिल्डअप हो रहा है, मतलब कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों हुई थी, ठीक है ना, कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों हुई थी। मतलब चलो मैं जरा कल से लेकर चलता हूँ, मेरा एक दोस्त उसने आज ज्वाइन किया साकिब ने, तो थोड़ा उसको थोड़ा अंदाजा हो जाए ना कि क्या मतलब हमने कल क्या पढ़े। तो कल हमने ये पढ़ा था कि हमने कॉलोनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, हमने कॉलोनाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि कैसे कॉलोनीज जो थी किस तरह अमेरिका को कॉलोनाइज किया गया था डिफरेंट यूरोपियन पावर्स ने। यूरोपियन पावर्स क्यों कॉलोनाइज करते थे उस वक्त, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ एक टसल ऑफ पावर में थे, वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लैंड जो है वो अपने कंट्रोल में ला सकें और उसके लैंड के थ्रू जो है ना क्या कहते हैं उसको प्लंडर कर सके, उसके रिसोर्सेज ले सके और अपनी इकोनॉमिक और डिफेंसिव पावर्स जो है ना उसको वो स्ट्रॉन्ग कर सके, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ वो एक पावर के क्या कहते हैं टसल था उनका, ठीक है। अच्छा फिर हमने ये पढ़ा था कि फैक्टर्स ऑफ कॉलोनाइजेशन क्यों था, तो हमने फैक्टर्स ऑफ कॉलोनाइजेशन में ये पढ़ा था कि पहला जो था प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन था, 100 मिलियन पॉपुलेशन थी, सरप्लस पॉपुलेशन थी यूरोप में, ठीक है। सरप्लस पॉपुलेशन होने की वजह से जो उनका प्राइमेटिव उस वक्त जो ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था, अफ्रीका जाने से जो क्या होता रहा था अफ्रीका क्या कहते हैं अमेरिका जाने से उनको ये फायदा हो रहा था कि बहुत ज्यादा वास्ट कल्टिवेबल लैंड जो है ना वो वहाँ पे उनको इस तरह फ्री हैंड मिल रहा था। तो एक तो ये वजह थी, दूसरी ये वजह थी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही थी, जैसे बेटर मैप्स और बेटर नेविगेशनल मेथड्स उनको हासिल हो रहे थे, इसी की वजह से जो है क्रिस्टोफर कोलंबस जो था उसने जाके अमेरिका की डिस्कवरी की है, ठीक है। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि जो किंग्स होते थे वहाँ के डिफरेंट कंट्रीज के, फ्रांस के, स्पेन के, इंग्लैंड के, ये लोग आपस में इनकी एक राइवलरी भी एक मतलब एक पर्सनल राइवलरी भी चल रही होती थी। तो जिन लोगों को ये लोग अकॉर्ड करते थे मतलब या तो ये इंडिविजुअल्स को राइट देते थे, प्रॉपर्टी राइट्स देते थे, या ये कंपनीज को भिजवाते थे कि वहां पे जाके आप इस जगह को कॉलोनाइज कर सके, तो उनका भी बीच में इंटरेस्ट होता था, ठीक है। चौथा जो था वो ये था कि एक अनफेवरेबल ट्रेड विद ईस्ट जो था ना वो शुरू हो गया था, मतलब आपके गुड्स ज्यादा बन रहे थे लेकिन आप इम्पोर्ट ज्यादा कर रहे थे, आपकी इतनी एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी। तो अमेरिका की डिस्कवरी से उनको क्या कहते हैं
एक क्या कहते हैं एक न्यू मार्केट भी मिल गई थी. ठीक है, तो ये मतलब ऐसे एक छोटा सा बैकग्राउंड मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाए, और फिर हम लोग ये जो आगे है ना कॉलोनाइजेशन के बाद ये दूसरा चैप्टर आता है एंग्लो फ्रेंच वॉर्स. ठीक है ना, तो ये पढ़ के फिर इसके बाद होते हैं ना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके बाद शुरू होती है. और जो कॉन्फेडरेशन की जो मेन बातें जो है मैंने जहाँ तक पढ़ी है वो तो यहाँ से शुरू होती है. ठीक है, तो अब एंग्लो फ्रेंच वॉर्स जो थी वो मतलब क्या थी. ठीक है, तो बैकग्राउंड जो है वो एंग्लो फ्रेंच वॉर्स का ये है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सिर्फ इंग्लैंड नहीं थे जिसने कॉलोनाइज किया था, जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ थे कि स्पेनिश आर्मेंडा 18 क्या इस डेट मुझसे भूल गई है कि कौन सी डेट थी. ठीक है, वो जो है 1558 थी शायद. ठीक है, वो हुई थी. तो उसके बाद क्या हुआ था कि जिस मतलब ब्रिटिश ने स्पेन को, स्पेन का जो फियर था या वो था उसने उनको एलिमिनेट कर लिया था, क्योंकि वो लोग वो जंग जीत गए थे. इसी तरह इसके बाद जो मेन कॉलोनाइजर्स जो रह गए थे ना, जिनके आपस में मतलब जो वो क्या कहते हैं, और जो मेन टसल ऑफ जो पावर थी ना वो इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान थी. ठीक है, और जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो ये जो यूरोपियन पावर्स थी ये लोग ये काम करते थे कि लोग कभी भी डायरेक्ट कन्फेडरेशन नहीं करते थे यूरोप के अंदर. ठीक है, ये लोग अपनी जितनी भी लड़ाइयाँ वगैरह होती थी या इनकी जितनी भी कन्फेडरेशन होती थी, इनकी डिफरेंट कॉलोनीज जो होती थी ना उस लैंड के ऊपर, इनकी आर्मीज जो है ना आमने सामने आती थी. ठीक है ना, यूरोप में ये लोग कभी भी इस तरह लड़ते नहीं थे. तो अब चलो शुरू करते हैं ना ये वाला. अच्छा, बैकग्राउंड वही वाली बातें. ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग राइवलरी बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड, स्ट्रगल फॉर पावर. किसी ने कुछ बोलना है? अच्छा, स्ट्रगल फॉर पावर, पर्सनल हॉस्टिलिटी बिटवीन द किंग्स, रिलीजियस फैक्टर. रिलीजियस फैक्टर में अब जो फ्रेंच थे वो ट्रेडिशनल कैथोलिक्स थे और ब्रिटिश जो थे वो प्रोटेस्टेंट थे. जिस तरह मैंने बताया था आपको कि वो एक एनलाइटमेंट का पीरियड चला था जिसमें जो क्या कहते हैं क्रिश्चियनिटी जो है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी. जो कंजर्वेटिव थे या जो बहुत पक्के क्रिश्चियंस थे वो कैथोलिक्स रह गए थे, और जो रिफॉर्म्स चाह रहे थे वो प्रोटेस्टेंट्स रह गए थे, प्रोटेस्टेंट्स बन गए थे. तो इस लिहाज से जो फ्रेंच जो थे ना वो ज्यादातर उसमें ट्रेडिशनल कैथोलिक्स थे, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ब्रिटिश में वो रिफॉर्मिस्ट या प्रोटेस्टेंट्स बनते जा रहे थे. ठीक है, फिर देखें नो डायरेक्ट कन्फेडरेशन. ठीक है, रादर देयर आर्मीज वुड फॉट ईच वुड फाइट ईच अदर fought each other on foreign land. मतलब इनकी अब अफ्रीका में भी कॉलोनी थी. ठीक है, कॉलोनीज थी, ये वहाँ पे लड़ते थे. अब अमेरिका में इनकी कॉलोनीज बन गई थी तो ये लोग वहाँ पे अब लड़ने इन्होंने फिर शुरू कर दिए थे. ठीक है, अच्छा अब ये जो थी ना क्या कहते हैं इनकी जो ये आपस में जो राइवलरी थी, मतलब ये आजकल के आप लोग इस तरह रह सकते हैं यूएस और चाइना को. ठीक है ना, मतलब जैसे अब यूएस और चाइना एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं ना, मतलब कि वो सुप्रीमेसी लेने चाहते हैं पावर की. तो उस वक्त के मतलब आप लोग इस तरह ले लें कि मतलब ये जो है ना क्या कहते हैं उस वक्त के यूएस और चाइना है. ठीक है, अब ये एंग्लो फ्रेंच वॉर्स. अच्छा, अब ये इस तरह होता था कि अमरीका में नहीं है, इन अमेरिका अर्ली वॉर्स वर फॉलोड बाई ट्रीटीज. अब ये अब मैंने यहाँ पे एक क्या कहते हैं वॉर का लिखा है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वीन एंस वॉर थी 1702 to 1714. और ये इसको क्या कहते हैं इसके इस वॉर को ख़त्म करने के लिए, चीज़ों को थोड़ा नॉर्मल लाने के लिए जो इन लोगों ने ट्रीटी की थी ना, ट्रीटी ऑफ यूट्रेच्ट, तो वो ये थी. ठीक है, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ ये एक वॉर नहीं लड़ी थी, इन लोगों ने तकरीबन 4-5 जंगें उस वक्त लड़ी थी. लेकिन हर जंग का ये होता था कि हर जंग इनके दरमियान जब होती थी ना उसके बाद ये एक ट्रीटी कंक्लूड करते थे जिसकी वजह से वो वॉर जो है ना वो ख़त्म हो जाए. उसके अंदर फिर ये एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ कंपनसेशन करते थे ना, मतलब अमेरिकन लैंड के ऊपर के, चलो ये जगह मेरी होगी जो जीता था उसके हिसाब से. ठीक है, तो वो जो दो तीन वॉर्स है ना, जब आप लोग माजुमदार पढ़ेंगे कोई भी अच्छी बुक पढ़ेंगे ना, तो वो वहाँ पे भी जब आपके सामने आए तो आप अपने साथ नोट करो. लेकिन उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वॉर है ना, क्या कहते हैं ये बैकग्राउंड के लिहाज से, ठीक है, 7 years हम लोग पढ़ने लगे 7 years वॉर, जो एंग्लो फ्रेंच वॉर है ना 7 years वॉर इसे कहा जाता है. लेकिन उससे पहले जो मेन वॉर थी ना वो क्वीन एंस वॉर थी 1702 to 1714, विच वॉज फॉलोड बाई द ट्रीटी ऑफ यूट्रेच्ट 1713. ठीक है, 1713 ये डेट्स हैं इसकी. Which said that the Iroquois Indians were subject of Great Britain, residents of Ohio Valley. This war was fought over the control of Ohio Valley and fur trade. ठीक है, ये जो 7 years war से पहले जो Queen Anne's war जो थी ये देखें तकरीबन 12 साल चली थी. ठीक है, और Treaty of Utrecht जो थी मतलब ये फिर England जीत गई थी.
ठीक है, तो उन्होंने इन लोगों ने ये आपस में कंपनसेट किया, तो ये ओहायो वैली और उसके अंदर जो फर ट्रेड थी ना उसके ऊपर, मतलब इन लोगों के आपस में कहते हैं क्लैशेस थे, ठीक है ना, तो वो उसकी वजह से इन लोगों ने वॉर लड़ी थी। तो जब इंग्लैंड ये वॉर जीत गई, तो उन लोगों ने जब ट्रीटी में ये इन लोगों ने कहा था कि जो ओहायो वैली है ना, क्या कहते हैं इसके जो ये रेजिडेंट्स इराकीज इंडियंस जो कि वहाँ के लोकल थे, वो जो है ना क्या कहते हैं वो सब्जेक्ट्स हैं ग्रेट ब्रिटेन के, ठीक है। तो बैकग्राउंड में आप लोगों ने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि ये मतलब इसके आगे जाके आपको इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि क्वीन एंड्स वॉर और ये ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट और इसका जो ये क्लॉज है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है ना। वो इसके ऊपर इन लोगों ने फिर अपना क्लेम्स करना शुरू कर दिए थे। तो ये है बैकग्राउंड सेवन ईयर्स वॉर का, ठीक है। कल हमने पढ़ा कॉलोनाइजेशन, आज हम लोग पढ़ रहे हैं एंग्लो फ्रेंच वॉर। एंग्लो फ्रेंच वॉर में जो मेन बातें हैं बैकग्राउंड के लिहाज से वो ये है कि फ्रांस और इंग्लैंड की स्ट्रगल ऑफ पावर थी, पर्सनल हॉस्टिलिटी थी किंग्स के दरमियान, एक रिलीजियस फैक्टर भी था, ठीक है। और दूसरा ये था कि मतलब वो लोग जब लड़ते थे यूरोप में नहीं लड़ते थे, वो अपनी कॉलोनीज में जो है ना डायरेक्ट कन्फेडरेशन की कॉलोनीज में होती थी। उन लोगों ने तीन चार वॉर इससे पहले भी लड़ चुके थे, लेकिन उनका कुछ इतना डिसिसिव या इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी वो सेवन ईयर वॉर के लिहाज से। जो इम्पॉर्टेंट थी ना, तो वो एक क्वीन एन वॉर थी और इसके साथ ये जो ट्रीटी ऑफ यूट्रेस्ट है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ तक अगर कोई सवाल हो या कुछ समझ ना आई हो तो पूछ लो। क्लियर है सर? अच्छा ठीक है, सही है, सबको क्लियर है। The free meeting will end in 10 minutes. The host needs to upgrade to a paid account. अच्छा, अब क्या करें, यहाँ पे स्टॉप करके फिर नई मीटिंग में बना लूँ, क्योंकि 10 मिनट बाद तो ये तो रुक जाएगी। नहीं सर, 10 मिनट बाद सर दोबारा से हम मीटिंग से इसी लिंक से ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा ठीक है, तो क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग तो नहीं रुकेगी? सर ये जो है ना, ये फ्री सेशन होता है, ये स्टॉप हो जाता है और इसका लिंक दोबारा नहीं ओपन होता। ये उस तरह नहीं है कि ये एक ही लिंक कंटिन्यू रहेगा। वो आपके लैपटॉप से होता था आई थिंक, जिसने भेजा है ना, तो उसके पास ये प्रो वर्जन नहीं था ना जूम का, तो इसका ये सेशन एंड हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब मैं अच्छा चलो वैसा अच्छा इतनी यहाँ तक आप वो बात समझ आएगी। अगर यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल है तो अगर मुझसे आप पूछ लें, आप किसी का कोई भी सवाल हो अगर इन बातों की आपको समझ ना आई हो कि मैंने क्या कहा। क्लियर है सर? अच्छा क्लियर है। अच्छा इस तरह करते हैं, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि मैं दूसरा जो है ना खुद ही से वो भेज देता हूँ, कि ऐसा ना हो कि अब हम लोग लगे रहे हैं, बीच में एक खत्म भी हो जाए, रिकॉर्ड भी ना हो, तो फिर जो है ऐसी मसला हो जाएगा। तो इस तरह कर लेते हैं, मैं आपको वो कोई लिंक भेजता हूँ उसके अंदर ग्रुप में, ठीक है। ये सर ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, मतलब कोई इशू नहीं होता अगर ये खुद स्टॉप भी हो जाए। अच्छा, तो फिर बार बार हम लोगों को नई मीटिंग बनानी पड़ेगी लाइबा को? जी जी, ये तो कोई मसला नहीं है। अच्छा चलो फिर ये जो है ना, जी जी ये सेव हो जाता है ऑटोमेटिक। बस चलो सिर्फ कन्वर्ट के लिए आपने थोड़ा सा टाइम लगाना होता है, वो 5-6 मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। सही है, सही है। अच्छा चलो यहाँ तक तो फिर ये बात होगी, ठीक है। अब सेवन, अच्छा कॉलोनाइजेशन पढ़िए, कॉलोनाइजेशन के बाद अभी एंग्लो फ्रेंच वॉर्स पे आ गए। अभी एंग्लो फ्रेंच वॉर्स में सेवन ईयर वॉर जो है ना, जो ये वाली हेडिंग है हमारी मेन जो है ना वो ये है, ठीक है। लेकिन उसका जो बैकग्राउंड में जो मेन मेन चीजें ना, जो मेन मेन बातें हैं वो ये है, ठीक है। और उसके बैकग्राउंड में जो मेन मेन बातें हैं ना वो ये है, सही है। तब हम आते हैं कि सेवन ईयर वॉर क्या थी, इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, ठीक है ना। तो सेवन ईयर वॉर, अच्छा सेवन ईयर्स वॉर जो थी 1754 से लेके 1763 तक चली थी, ठीक है ना। एस्टैब्लिश्ड इंग्लिश कंट्रोल ऑल ओवर अमेरिका, ब्रेक डाउन ऑफ फ्रेंच पावर ऑल ओवर द वर्ल्ड, एशिया, यूरोप एंड अमेरिका। अब जैसे मैंने आपको कहा ना कि ये लोगों की अब अमेरिका में सिर्फ लड़ाई नहीं हो रही थी, इनकी लड़ाई जो है ना साइमल्टेनियसली अफ्रीका में भी चल रही थी, ठीक है ना। एशिया में भी इनकी जो कॉलोनीज थी शायद उसमें भी चल रही थी, ठीक है ना। तो ये जो सारी मतलब लड़ रहे ये लोग थे आपस में, इनकी ठीक ठाक कन्फ्रंटेशंस हो रही थी, लेकिन वो फॉरेन लैंड के ऊपर हो रही थी, ठीक है। अच्छा, अब सेवन ईयर्स सिग्निफिकेंस ये है ना
कि मतलब उसने अमेरिका इंग्लैंड को तो अमेरिका के ऊपर पूरा कंट्रोल दिया है, लेकिन फ्रेंच की जो पावर थी जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड थी, ठीक है ना, मतलब क्या कहते हैं जैसे अब आजकल का कोई ऐसा मुल्क उठा लें कि जैसे अब एक जैसे कोल्ड वॉर का आप एक वो ले लें ना, एक सिनेरियो ले लें, कोल्ड वॉर में क्या था कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन तो वहां पे भी रशिया और अमेरिका की नहीं हुई थी, लेकिन अमेरिका फिर भी कोल्ड वॉर जीत गया था कभी एक तरीके से, कभी कहीं पे उनको डिफीट्स मिली, कहीं पे उनको क्या कहते हैं जीत हुई है उनकी, ठीक है, लेकिन करते कराते आखिर में जब अमेरिका जो है उसको कोल्ड वॉर का विनर कहा जाता है ना, कि मतलब कोल्ड वॉर जो है अमेरिका जीत गया था और उसकी वजह से रशिया की जितनी भी पावर थी ना वो सारी की सारी टूट गई थी, मतलब क्या कहते हैं वो खत्म हो गई थी एक किस्म की, ठीक है। तो इसी तरह इस वॉर की वजह से क्या हुए, 7 ईयर वॉर की वजह से जो कि अमेरिका में हुई थी, अमेरिका में हुई थी, ठीक है ना, उससे ये हुआ था कि इंग्लिश का जो कंट्रोल था मतलब वो ऑल ओवर अमेरिका एक तो वो आ गया था, दूसरा ये हुआ था तो फ्रेंच की जितनी पावर थी मतलब जितनी ऑल ओवर द वर्ल्ड की जो कॉलोनीज वगैरह थी उसमें वो जो उसके जो पावर्स वगैरह थी मतलब वो टूट गई थी, ठीक है, जो पावर थी उसकी। अच्छा, कॉजेस जो थे, कॉजेस जो मेन कॉज था ना इस वॉर का वो ये था कि डिस्प्यूट था ओहायो वैली के ऊपर, ठीक है ना। अब फ्रेंच ये क्लेम करते थे कि उन लोगों ने इस रीजन को डिस्कवर किया था, डिस्कवर किया, ठीक है, और वो इस क्या कहते हैं इस ये जो ओहायो वैली था ना इसको इसलिए इसको ये क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स के जरिए नहीं है इसको कंट्रोल करते थे, वो अपना कंट्रोल इसके ऊपर इन लोगों ने सर रखा था कि इन लोगों ने यहाँ पे फोर्ट्स बनाए हुए थे, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स की हुई थी। अच्छा, इंग्लिश क्लेम्स ये थे, इंग्लैंड ये कहता था कि एक हमारे पास रॉयल चार्टर है, हमें हमारे किंग ने जो है रॉयल चार्टर दिया है ओहायो वैली के लिए, ठीक है। दूसरा, अब देखो जो 7 ईयर्स वॉर थी ना उसकी यहाँ पे वो सिग्निफिकेंस है, वो ये कहते थे कि ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट में तुम लोगों ने ये माना हुआ है कि जो इराकिस इंडियंस जो हैं वो हमारे सब्जेक्ट हैं, और इराकिस इंडियंस जो थे वो जो है ना वो ओहायो वैली के इनहेबिटेंट्स थे। तो वो ये जो मतलब ये जो क्लेम्स थे ना वो दो डिफरेंट क्लेम्स वो ये थे, फ्रेंच कह रहे थे हमने इस जगह को डिस्कवर की है, ठीक है ना, तो ये जगह हमारी है और यहाँ पे अपने कंट्रोल को एस्टेब्लिश रखने के लिए और मेंटेन रखने के लिए वो लोग क्या करते थे, फोर्ट्स बनाते थे, ठीक है ना, मतलब। और दूसरा, इंग्लिश ये कहते थे कि एक तो हमारे पास ओहायो वैली का रॉयल चार्टर है, हमें हमारे किंग ने रॉयल चार्टर दिए हुए। दूसरा, वो ये इस बात पे क्लेम कर रहे थे कि 7 ईयर क्या कहते हैं क्वीन एन्स वॉर के बाद आप लोगों ने हमारे साथ ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट में ये कहा था कि ये जो इराकिस इंडियंस हैं ये हमारे सब्जेक्ट हैं और ये जो थे ना ये ओहायो वैली के इनहेबिटेंट्स थे, तो इनके जो क्लेम्स थे ना वो ये थे, ठीक है। फिर फ्रेंच टुक द पोजेशन ऑफ द वैली इन द नेम ऑफ द किंग व्हाइल द इंग्लिश फॉर्म द ओहायो कंपनी एंड सेट टू ऑक्यूपाई द टेरिटरी, ठीक है, मतलब अब इन लोगों की वो आपस में जो है ना वो लड़ना लड़ाना जो है ना वो शुरू हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है ना जो जॉर्ज वाशिंगटन थे वो एक बहुत ही कैपेबल कमांडर होते थे इनके, ठीक है, फिर इनके सबसे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो भी रहे हुए थे इनके, तो उन्होंने क्या किया कि वो गए ब्रिटिश और उन लोगों ने जाके इनकी एक क्या कहते हैं फोर्ट के ऊपर अटैक किया, लेकिन एज अ रिजल्ट इनको क्या कहते हैं स्लाइट कामयाबी मिली है, लेकिन फ्रेंच फोर्सेस ने बहुत अच्छे तरीके से काउंटर अटैक मार के जो है ना इनको जॉर्ज वाशिंगटन को भी कैप्टिव ले लिया था, ठीक है ना, और भी मतलब इनको काफी मतलब लॉसेस वगैरह हो गई थी। तो जब उन्होंने मतलब अच्छा अब ये देखें अब यहाँ पे आखिर में लिखो सून द कॉलोनीज रियलाइज द फ्रेंच डेंजर कैन बी ओनली एलिमिनेटेड इफ दे वर्क यूनाइटेडली इन अ कॉन्फेडरेशन, ठीक है। अब ये जो है ना क्या कहते हैं सून द कॉलोनीज रियलाइज दैट द फ्रेंच डेंजर कैन बी ओनली एलिमिनेटेड इफ दे वर्क यूनाइटेडली, ठीक है। अच्छा, इससे पहले ये था ना कि ये जो स्टेट्स थी ये जो कॉलोनीज जो थी ना इनके मतलब इनके इतने आपस में इतने हारमोनियस क्या कहते हैं ताल्लुकात नहीं हुआ करते थे, ठीक है, इनके आपस में भी है ना क्या कहते हैं कुछ ना कुछ रिजर्वेशन होती थी एक दूसरे के बारे में, जैसे इंटर कॉलोनियल ट्रेड हो गई है, ठीक है, इनकी आपस में कुछ ना कुछ जो है ना वो चलती रहती थी, मतलब एक दूसरे के साथ एक आध बात के ऊपर है ना एग्री वगैरह नहीं करते थे, तो इनके आपस में कोई इतने अच्छे रिलेशंस भी नहीं होते थे, जो कॉलोनीज जो थी इनके आपस में इतने अच्छे रिलेशंस नहीं होते थे। लेकिन जब क्या कहते हैं जॉर्ज वाशिंगटन जब गए और मतलब इन लोगों की ये लड़ाई वगैरह शुरू हुई है ना जो कि ये लोग इंग्लैंड के बिहाफ के ऊपर लड़ रहे थे, मतलब थी तो ये कॉलोनी लेकिन अपने आप को डिफेंड कर रहे थे ये लोग, ठीक है, लेकिन लड़ रहे ये इंग्लैंड के उसके ऊपर थे।
तो इसकी वजह से ये हुआ कि मतलब कॉलोनीज ने ये रियलाइज किया कि फ्रेंच जो है ना वो है क्या कहते हैं वो स्ट्रांग है हमसे, और जब तक कि सारी कॉलोनीज जो है वो आपस में यूनाइटेडली बैठती नहीं है, कोई प्लान ऑफ एक्शन जो है ना वो डिसाइड नहीं करती है, ठीक है ना, तो तब तक जो है ना फ्रेंच जो है इनके ऊपर जो है ना वो होता रहेगा, क्या कहते हैं हावी होता रहेगा, ठीक है ना, मतलब वो अपने तरीके से काम करेगा और अब इनको जो है ना क्या कहते हैं टेररिज करने की कोशिश करेगा। तो ये जो क्या कहते हैं जो कॉजेस थे डिस्प्यूट जो था ना ओहायो वैली का, उसका जो बिल्डअप जो था ना वो ये था कि फ्रेंच के क्लेम्स ये थे, ठीक है, जैसा मैंने बताया। फिर इंग्लिश के जो इंग्लैंड जो था वो इस बात के ऊपर ओहायो वैली को क्लेम कर रहा था, ठीक है। फिर इन ये इसका थोड़ा बहुत जो है ना बिल्डअप हुआ है, इनकी जो आपस में लड़ाई वगैरह हुई है, और फिर उससे जो रियलाइजेशन जो हुई है ना वो ये हुई है कि मतलब इनको एक यूनाइटेडली इनको एक कन्फेडरेशन में काम करना चाहिए, ठीक है ना, फ्रेंच फोर्सेस के खिलाफ। अब कॉलोनीज यूनाइट हो रही थी फ्रेंच फोर्सेस के खिलाफ, लेकिन ये लड़ाई जो थी ना वो मेनली इंग्लैंड और फ्रांस की थी, ठीक है ना, मतलब ये कॉलोनीज वर्सेस फ्रांस इसलिए बना क्योंकि कॉलोनीज जो थी ना ये जो थी इंग्लैंड की कॉलोनीज थी, वो इंग्लैंड के लिए लड़ रहे थे, मतलब दे वर फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ देयर किंग, ठीक है ना। तो ये जो सारी बातें हैं मतलब ये कॉजेस था, और ये जो है ना ये शुरू बड़ी बड़ी बातें हैं सेवन ईयर्स वॉर की। अगर अब यहाँ तक कुछ समझ नहीं आया है तो पूछ सकते हो। हेलो,